उच्च रक्तचाप के आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते। बीपी मापकर ही उच्च रक्तचाप का पता लगाया जा सकता है। आज हम सीखेंगे कि बीपी को ठीक से कैसे मापा जाए। सबसे पहले ये ध्यान रहे कि पिछले आधे घंटे में व्यक्ति ने व्यायाम न किया हो और कॉफी, चाय या तंबाकू का सेवन न किया हो। हो सके तो बीपी मापने से पहले व्यक्ति को 5 मिनट विश्राम करने दें। बाजू के अनुसार सही साइज का बीपी कफ चुनें। पीठ को सहारा देते हुए व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाएं। सुनिश्चित करें कि उनकी टांग एक के ऊपर एक न हो और पैर फर्श पर समतल हो। कफ को बाजू पर ठीक से लपेटें। ध्यान रहे कि बाजू पर कोई कपड़ा न हो या पतला कपड़ा ही हो और कफ के नीचे कपड़ा इकट्ठा न हो। कफ सही तरह से स्थित हो और उसका निचला सिरा कोहनी से 2 सेंटीमीटर ऊपर हो। कफ के निचले सिरे में सिर्फ 2 उंगली डालने की जगह होनी चाहिए। बाह को सहारा देते हुए टेबल पर ऐसे टिकाएं कि कफ व्यक्ति के हृदय के स्तर पर हो। बीपी मापने के दौरान व्यक्ति को बातचीत न करने दें। बीपी की सही रीडिंग रिकॉर्ड करें और नंबर को राउंड ऑफ न करें। हर बार सही विधि से बीपी नापें, जीवन को बचाने में सहायता करें।